मंथ ऑफ अप्रैल की जो हेल्थ है इट्स अबाउट इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिसको आई कहते हैं और आपको पता है जैसे पाकिस्तान में अप्रैल के मंथ में सीजन चेंज हो रहा होता है तो थोड़ी सी बीटिंग हैबिट्स आपकी खराब हो तो वैसे ही स्टमक के आ जाते हैं फिर आईबीएस के केसेस भी इस मंथ में रिपोर्ट होते हैं तो हमें चाहिए कि हम थोड़ी ज्यादा एक्स्ट्रा केयर रखें अपने हेल्थ के हवाले से लेकिन खतीजा ये कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं है जैसे हम बाकी हेल्थ अवेयरनेस के बारे में बताते रहे अपने आप उस पर नहीं दे रहे तो आपकी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है तो दुआ हमें कैसे पता चलेगा कि हमें आईपीएस क्या इसके साइन पी सिम्टम्स है ये खतीजा बिल्कुल ठीक पूछिए कि सिम्टम्स इसके बहुत विजिबल होते हैं काफी इजीली पता चल जाते हैं क्योंकि इसमें एब्डोमिनल abdominal...

में फाइबर ऐड करें फाइबर हम लोग किस सकते हैं फ्रूट्स ज्यादा खाएं वेजिटेबल्स लें होल ग्रेन और नट्स ऐड करें अपनी डाइट में इसके अलावा प्लेंटी ऑफ वाटर इंटेक करें बहुत ज्यादा पानी पिए स्मोकिंग बिल्कुल भी ना करें और अगर आप पहले से स्मोकिंग कर रहे हैं तो उसको क्विट कर दें इसके अलावा आप लोग रिलैक्स रहें अपने लाइफ में से स्ट्रेस को रिड्यूस एक्सरसाइजेस करें मिल्क करें, और चीज को लिमिटेड कर दें इसके अलावा स्मॉलर मील्स ने, मील्स ऑफ बिगर आप लोग थोड़ा सा खा लें फिर ब्रेक ले लें फिर थोड़ा सा खाएं फिर, खा फिर ब्रेक ले लें इसके साथ साथ आप लोग जो खा रहे हैं जो फूड ले रहे हैं उसका रिकॉर्ड रखें अगर आप लोगों के पास रिकॉर्ड होगा तो आप लोग देख सकेंगे कौन सी फूड है जिससे आई जो है वो इम्प्रूव हो रही है और यही एक ट्रीटमेंट है जिससे आप लोग जो है आईपीएस को इम्प्रूव कर सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल खदीज बिल्कुल ठीक कह रही कि इसका ट्रीटमेंट डाइट के थ्रू ही होता है जिसमें हमें चाहिए कि हम हाइड्रेटेड रहें हेल्दी डाइट लें साथ ही साथ साफ पानी पिए क्योंकि साफ पानी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और लाइट एक्सरसाइज भी आपकी होनी चाहिए लाइफस्टाइल में क्योंकि एक्सरसाइज आपको पता है बहुत सारे इश्यूज से आपको बचा लेती है और देखा गया है कि स्वेर केसेस में मेडिकेशन भी दी जाती है लेकिन उसके लिए डॉक्टर की कंसल्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है